कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है, सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वह 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 STET और BTET के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा, तो आपके जो 10 लाख हैं कम से कम 1,15,000 घट करके आपके वादा का 8,85,000 बचेगा। तो हमारी और आपकी विवाद होते रहेगा, इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है, पर एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में 1 दशकत में कर दूंगा, आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री है। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, हमें लगातार सूचनाएं मिल रही है कि जो संविदा के आधार पर जो बहाली हुई है और खास करके जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति तबकों में जो इन्होंने बहाली किया उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप सब एजेंट के रूप में काम कीजिए, यह हम देख रहे हैं। लेकिन नीतीश जी बी टीम लाएं, सी टीम लाएं, डी टीम लाएं, सभी टीमों को भाजपा को हराने में वो लगा दें, किसी भी हालत में कुर्नी से भाजपा ही जीतेगी। 34 करोड़ का आंकड़ा तो देख लीजिए आप, मुद्रा योजना में देखे आपने 19 करोड़ रोजगार केवल मुद्रा योजना में 19 करोड़ लोगों को मिला हुआ है, और अभी भी जितने हम लोगों ने किया था वो सबों को रोजगार देने का वादा किया था कर रहे थे। 19 लाख रोजगार के अवसर का हमने वादा किया था, पूरे बियाडा में हमने रेट घटाया, हर जगह फैक्ट्रियां लगा रहे थे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में जब उद्योगपति आते हैं उसी समय बालू माफिया मिलके 1,000 गोली मारता है, 8 लाशों को गायब कर दिया जाता है, कौन आदमी यहाँ पे रोजगार देने और लगाने आएगा।